रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दिस इज अब्दुल समद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, बचावा पार्ट इसका। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने डिस्कस करना है एनके सेल्स को या नेचुरल किलर सेल्स को। व्हाट आर नेचुरल किलर सेल्स? इन्हें एनके सेल्स क्यों कहा जाता है? पहली चीज़ तो ये देखें, ये एक तरह से लिम्फोसाइट्स ही होते हैं हमारी बॉडी के, और ये एक्टिवेशन करवाते हैं डिफरेंट एंटीजेंस की वजह से, या ये कहने कि एक्टिवेट होते हैं डिफरेंट एंटीजेंस के आने की वजह से। इनकी वजह से, डिफरेंट एंटीजेंस के आने की वजह से। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पूरा नहीं हुआ था, ऐसे कुछ पार्ट बाकी रह गए थे। दोबारा समझाने का मकसद एनके सेल्स को ये है, ताकि समझ आसान और आ जाए आपको। एलेबोरेट करने का इसका मकसद और ये है, ये अपनी प्रॉपर्टी सर्व करते हैं एज अ पुलिसमैन की तरह। जैसे कि नाकाबंदी लगी होती है ना, और बंदों को रोका जाता है, गाड़ियों को रोका जाता है, उन्हें चेक किया जाता है, इस तरह ये भी जो एनके सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में एक पुलिसमैन की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कब एक्टिवेट होते हैं और ये क्यों एक्टिवेट होते हैं? पहली चीज़ तो ये एक्टिवेट होते हैं जब हमारी बॉडी में मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको MHC1 कहा जाता है, दिस इज ए टाइप ऑफ रिसेप्टर, ये टाइप रिसेप्टर की टाइप है, और जब इस पर कोई स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन आकर बाइंड होती है, तब ये एक्टिवेट होते हैं सेल। और इनकी एक्टिवेशन का पर्पस क्या होता है? ताकि उन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन तमाम पैथोजेंस को, उन तमाम माइक्रोबियल ग्रोथ को ख़त्म किया जाए, किल किया जाए। ठीक है, अच्छा, इनमें क्या स्पेशलिटी होती है? इनमें स्पेशलिटी ये होती है कि जो मैक्रोफेज, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, मैंने कहा था जब मोनोसाइट से यानी कवर ना हो, उस माइक्रोबियल ग्रोथ को मोनोसाइट कवर ना कर पाए, तो फिर मैक्रोफेज आएगा। तो ये मैक्रोफेज की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है, दो से तीन टाइप का कह लें आप। ये करते क्या है? ये एक्टिवेट होते हैं स्पेसिफिक टाइम पर, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जब ये किसी इन्फेक्टेड बॉडी को मारते हैं, जब ये किसी इन्फेक्टेड बॉडी को ख़त्म करते हैं, तो उसे मारकर उसकी लाश को बाहर लटका देते हैं, उसकी लाश को बाहर ही लटका देते हैं, ताकि दूसरों को इंडिकेशन मिले, ताकि दूसरों को इंडिकेशन मिले। ये सेम ऐसा प्रोसेस है कि अगर पुलिस से कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती, तो हम किसी दूसरी फोर्स को बुलाते हैं, ताकि वो हमारे तमाम एरिया के जो है ना, वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इसी तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की जब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एंड टर्म्स तब्दील होना स्टार्ट होती हैं, उनमें मॉडिफिकेशन आती है, उनमें ऑल्टरनेशन आती है, तो उस मॉडिफिकेशन या ऑल्टरनेशन के पीछे इस एनके सेल का हाथ होता है। ये तमाम एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स का हाथ होता है। तो फर्क समझ आ गया, मैंने यह डायग्राम बनाई है, देख सकते हैं आप कि जब मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पर कोई इन्फेक्टेड बॉडी आकर अटैच होगी, तभी एक्टिवेट होगा, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होगा। तो मैक्रोफेज में और इस एनके सेल में ये दो से तीन टाइप का डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। पहला क्या, कि एक्टिवेट होगा जब कोई इस मेजर MHC1 मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पर आकर कोई इन्फेक्टेड बॉडी कह लें कोई बाइंड कर जाएगी, यानी कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है कह लें आप, जब इसके बाद कोई सिग्नल आएगा। और ये मैक्रोफेज की तरह काम करता है, लेकिन थोड़ा सा काम मैक्रोफेज से ज़्यादा भी करता है, कि मारेगा, मारकर लटका देगा, डायरेक्ट इनकाउंटर करता है ये बॉडी का, डायरेक्ट क्या करता है, इनकाउंटर करता है। मैक्रोफेज जज करेगा पहले, फिर मारेगा, डायरेक्ट इनकाउंटर कर देगा ये। समझ आ रही बात यहां तक? अच्छा, ये मारेगा कैसे? ये जो एनके सेल्स हैं, ये हमारी इन्फेक्टेड बॉडीज को कह लें आप, या फिर आप कह लें कि कोई पैथोजन आ गया, उसको कैसे खत्म करेगा? तो ये खत्म करेगा बाय द हेल्प ऑफ ग्रेंजाइम्स एंड परफोरिन प्रोटीन्स। परफोरिन प्रोटीन्स मैंने आपको पढ़ाया था इंटरफेरॉन्स में और साइटोकाइंस में, याद आ रहा है? इंटरफेरॉन जो है ना, ये साइटोकाइंस की टाइप की प्रोटीन है। इंटरफेरॉन का मतलब क्या है? इंटरफेरॉन, इंटरफेयर करने वाली प्रोटीन, इंटरफेयर करने वाली प्रोटीन, यानी कि जो वायरस के और बैक्टीरिया के, वायरस के और बैक्टीरिया के अंदर क्या करवाएगी? म्यूटेशन पैदा करवाएगी, उनकी रेप्लिकेशन को ब्रेक करेगी, रोकेगी, स्टॉप करेगी। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेयर करने वाली प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहा जा रहा है। आ रही बात समझ? तो करते क्या है? ग्रेंजाइम्स और परफोरिन प्रोटीन। परफोरिन प्रोटीन का काम ही इंटरफेरॉन की जैसा होता है, कि कोई अगर इन्फेक्टेड बॉडी है, तो उसमें क्या करेगी? इस तरह के पोर्स पैदा कर देगी। इस तरह क्या पैदा कर देगी? पोर्स पैदा कर देगी। इस प्रोटीन को पोरिन प्रोटीन भी कहते हो, परफोरिन प्रोटीन भी कहते हो, और इसको इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ग्रेंजाइम्स एंड परफोरिन या पोरिन प्रोटीन्स।
देखिए अब आ जाएँ साइटोटॉक्सिक सेल्स पर, इनको टीसी सेल्स भी कहा जाता है, साइटोटॉक्सिक सेल्स या टीसी सेल्स। अच्छा इनका काम क्या होता है, देखिए ये एक और टाइप के हमारे लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं जो कि कहाँ बन रहे होते हैं, जो कि बन रहे होते हैं हमारे बोन मैरो में। कहाँ बन रहे होते हैं हमारे बोन मैरो में, और बोन मैरो में बनने के बाद इनको ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर द मेच्योरेशन ऑफ देम। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। आपके ऊपर लिखा हुआ है कि उसको थाइमस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो थाइमस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो क्या होता है, बोन मैरो में तो ये सेल बनते हैं टीसी सेल्स, और ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसके लिए, मेचुरेशन के लिए, कहाँ पर, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। देखिए इनके पास MHC2 टाइप के रिसेप्टर्स तो मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटीज 2 टाइप के रिसेप्टर मौजूद हैं, लेकिन इस रिसेप्टर के साथ साथ इनके पास एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर मौजूद होता है जिसे आप CD8 टाइप रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये काम किस तरह करते हैं काम। देखिए जब CD8 टाइप के रिसेप्टर के साथ जब MH2 टाइप का रिसेप्टर बाइंड करेगा तभी काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि सिग्नल पहुंचाने के लिए इन दोनों टाइप के रिसेप्टर का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। सिग्नल पहुंचाने के लिए, इस सेल को सिग्नल पहुंचाने के लिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन से आगाह करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, दो के दो टाइप के रिसेप्टर इन्वॉल्व होने चाहिए मैसेज को कन्वे करने के लिए, भेजने के लिए। ठीक है, अच्छा ये काम किस तरह करते हैं, इनके काम करने का तरीका है ज़रा वो यहाँ पर गौर से आप देखना। आप समझ लें कि MHC1 टाइप के रिसेप्टर से इनके पास मैसेज आया, और उस मैसेज को इन्होंने कन्वे किया किसके जरिए, CD8 टाइप के रिसेप्टर के जरिए, जो कि इनकोड हुआ है किसके साथ, MHC2 टाइप के रिसेप्टर के साथ। समझे बात को, यानी कि पहले सिग्नल रिसीव करेगा MHC1 टाइप का रिसेप्टर, कौन, MHC1 टाइप का रिसेप्टर। इन सेल्स में क्या लगा होता है, पहले तो MHC1 टाइप का रिसेप्टर वो सिग्नल कन्वे करेगा, मीन्स लेगा, और लेने के बाद आगे भेज देगा, ट्रांसफर करेगा किसको, MHC2 टाइप के रिसेप्टर्स के पास, और CD8 रिसेप्टर के साथ, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा कोई वायरली इन्फेक्टेड बॉडी आ जाती है इस सेल के पास, तो अनलाइक एनके सेल्स, एनके सेल क्या कर रहा था, जगह पे खड़ा हुआ है, जो बॉडी आ रही है चेक कर रहा है भेज रहा है, जो बॉडी आ रही है चेक कर रहा है भेज रहा है, इस तरह। लेकिन इसका काम ये नहीं है, ये काम किस तरह करेगा कि इसे जब सिग्नल मिलेगा, इसे जब सिग्नल प्रोवाइड होगा मिलेगा, तो करेगा क्या, ये मुख्तलिफ टाइप के परफोरिन प्रोटीन्स को और ग्रेनजाइम्स को रिलीज करेगा, सेम किन की तरह, इन एनके सेल की तरह। लेकिन एनके सेल तो जगह पर रहकर काम कर रहे हैं, ये एक से दूसरे सेल के पास जाएगा, पहले रिलीज करेगा परफोरिन और ग्रेनजाइम्स को एक सेल के ऊपर, ताकि वो तमाम सेल की लाइसिस करवा सकें, सेल को ब्रेक डाउन कर सकें, सेल को तोड़ सकें, उसके बाद किसी दूसरे सेल को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, दूसरे सेल की लाइसिस करवाएगा। ठीक है ना, देखें जो ग्रेनजाइम्स और परफोरिन प्रोटीन्स आएंगी ये किस तरह काम करेंगी और ये कहाँ से आएंगी। दो से तीन टाइप की प्रोटीन्स का नाम लिखा हुआ है बुक में आपकी, एक तो साइटोकाइंस, ये तमाम की तमाम प्रोटीन्स जो है ना वो साइटोकाइंस की कह लें कि किस्म से रिलेट करती हैं। ठीक है ना, या साइटोकाइंस की कैटेगरी से रिलेट करती हैं तीनों की तीनों प्रोटीन्स। एक तो इंटरफेरॉन गैमा प्रोटीन का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, दूसरा नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है अलग अलग है आपका ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, दूसरी टाइप की प्रोटीन है, और इसके अलावा इंटरफेरॉन गामा लिखा हुआ है। तो ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये प्रोटीन्स आपके डिफरेंट टाइप के इम्यून सेल्स को, बुक में मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स लिखा हुआ है, उनको उनकी प्रोसेस को, उनके अमल को इन्हांस करने के लिए ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी, ताकि वो एनके सेल से ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में काम कर सकें। आ रही बात समझ, तो क्या होगा, जैसे ही MHC1 टाइप के रिसेप्टर के पास सिग्नल आएगा वो भेजेगा कहाँ पर, इस CD8 टाइप और MHC2 टाइप के रिसेप्टर के पास। वो सिग्नल जज करेगा कौन, सेल, बाय द हेल्प ऑफ दीज टू टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। जब रिसेप्टर को जज कर लिया, रिसेप्टर से एक उस कह लें कि आप इंफॉर्मेशन को ले लिया, तो उस इंफॉर्मेशन के लेने के बाद क्या होगा, प्रोटीन की एक्टिवेशन होगी आपकी बॉडी में। ठीक है ना, क्या होगी, प्रोटीन की एक्टिवेशन होगी, और प्रोटीन की एक्टिवेशन बताया मैंने इंटरफेरोन गामा और दूसरा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये दो टाइप की प्रोटीन्स होंगी जो एक्टिवेट होंगी, जो कि आपके डिफरेंट टाइप के इम्यून सिस्टम के सेल्स जो इन्वॉल्व हैं आपकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम में, उन इम्यून सेल्स को क्या करेंगी, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगी, उनकी परफॉर्मेंस को
इन्हांस करेंगी ताकि वो बेटर वे से जो है ना वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्स कर सकें। और जब फिर वो प्रोटीन्स आएंगी, वो प्रोटीन्स की मदद से ग्रेनजाइम और परफोरिन प्रोटीन की मदद से क्या होगा, तमाम के तमाम सेल्स को मारा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। बात समझ आती है यहाँ तक। अब आ जाए एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पर कि एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स क्या होती हैं। इसी को आप एक और नाम देते हो, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रीली रिमूव करने वाले। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये प्रोटीन्स दरअसल उस एक सेल को, जो एक सेल एक्टिवेट हुआ होता है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन के जरिए, तो एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करती हैं। मतलब कि अगर कोई एक सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, इन्फेक्शन उसमें आ गया है, तो दूसरे सेल्स को एक सिग्नल भेजने के लिए काम करती हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। और ये प्रोटीन बनती कहाँ है, ये प्रोटीन बनती है लिवर में। कहाँ बनती हैं, लिवर में बनती हैं, और फिर ये हमारे सर्क्यूलेटरी सिस्टम को भेज दी जाती हैं ताकि वहाँ पर जो है ना वो डिफरेंट टाइप के सेल्स को एक्टिवेट किया जाए बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक सिग्नल्स। अच्छा, इस पर एक चीज़ बताना, मैं आपको भूल गया टी सी सेल्स में, कि ये एक्टिवेट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल सिग्नल से। किससे, केमिकल से। कहीं पर आपको मिलेगा कि स्पेसिफिक सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं, केमिकल सिग्नल से। वो केमिकल सिग्नल के नाम मैंने बता दिए आपको, प्रोटीन्स ही हैं वो दरअसल जो एक्टिवेट कर रही है ना। एक तो इंटरफेरॉन गामा, एक्टिवेट ये हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स के जरिए ना, जो उनको सिग्नल मिल रहा है, लेकिन एक्टिवेशन के पीछे जो है ना वो दो टाइप की प्रोटीन्स छुपी हुई हैं, केमिकल प्रोटीन्स, केमिकल्स ही हैं, प्रोटीन भी छुपी हुई है। कौन कौन सी, इंटरफेरॉन गामा और दूसरा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दी मैंने एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन की, जो मास सेल्स आएंगे, मास सेल एक्टिवेट जब होंगे तो वो एक्टिवेट कर देंगे दूसरे सेल्स को, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ताकि एक के सेल के पास अगर कोई एक सेल इन्फेक्टेड है, तो अगर दूसरा सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, बिकॉज हमारी बॉडी में आप जानते हैं माइटोसिस होती है, सेल की तादाद जो है ना वो इंक्रीज होती जाती है, तो ताकि अगर किसी दूसरे सेल में कोई इन्फेक्शन चल रहा है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, एक्टिवेट करती हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। समझ आ रही है बात यहाँ तक। देन अब आ जाए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ऊपर, इसके ऊपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। पता है इन्फ्लेमेशन क्या होती है? ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बर्निंग, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। बर्निंग मतलब जलना किसी स्पेसिफिक एरिया का, रेडनेस लाल हो जाना, स्वेलिंग सूज जाना, और पेन का मतलब दर्द महसूस होना उस स्पेसिफिक जगह पर, ही कहलाता है इन्फ्लेमेशन। इसको हम आम अल्फाज में सूजन भी कहते हो। जबकि बॉडी की जगह सूज जाती है तो आपको पता है वो रेड भी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग भी पैदा हो जाती है, उसमें दर्द भी होता है आपको, और वो बर्न जलती भी है, आपने देखा होगा। किसी मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के काटने से क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का एक दाना बन जाता है, ना पोर बन जाता है कह लो आप, ठीक है ना, तो आपको दिखता है। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेशन होती है दो टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, दो टाइप की होती है इन्फ्लेमेशन। पहले तो एक तो एक्यूट कहलाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और दूसरी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट कब होती है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, और क्रॉनिक कब होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। ठीक है, बुक में एग्जांपल भी लिखी हुई है कि जो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें आती हैं तमाम की तमाम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और अगर कोई बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट बड़ा हो जाता है उसमें एनलार्जमेंट पैदा हो जाती है, तो ये भी इन्फ्लेमेशन ही कहलाता है। और इसके अलावा आप अगर बात कर लें कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, तो आप मॉस्किटो की बाइट की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी। होता क्या इन्फ्लेमेशन में, मैंने ये एग्जांपल दी है कि ये हमारी बॉडी के स्किन के एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, और इस एपिडर्मल सेल के नीचे क्या मौजूद है, हमारी ब्लड वेसल मौजूद है। ठीक है ना, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, कि अगर कोई निडल आके चुपती है, कोई सुई आके चुपती है हमारे स्किन पर, तो स्किन पर सुई चुभने से क्या होगा, होल पैदा, पोर पैदा हो जाएगा, होल पैदा हो जाएगा, सुराख पैदा हो जाएगा एक, तो उस सुई के साथ, उस सुई के साथ क्या मौजूद होगा, कुछ मैं कहता हूँ कि माइक्रोब मौजूद है, कोई पैथोजन मौजूद है, ठीक है ना, तो उस सुई के साथ क्या एंटर हो गया, हमारे इस ब्लड में या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल में क्या एंटर हो गया, माइक्रोब उस सुई के साथ। ठीक है ना, होता क्या है कि जैसे ही माइक्रोब आता है, उसकी जजमेंट के बाद, उसकी पैथोजन की जजमेंट के बाद,
हमारे ब्लड में एक स्पेशल टाइप का केमिकल सिग्नल है जिसे आप हिस्टामिन कहते हैं, केमिकल मैसेंजर आप कह लें इसको, आप हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जैसे ही हिस्टामिन एक्टिवेट होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है हमारे ब्लड में, और हिस्टामिन की रिलीजिंग की वजह से वो करवाता है वेजोडायलेशन। क्या करवाता है, तो हमारी वेजल्स का डायमीटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो आए उस एरिया पर जहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर माइक्रोब एंटर हुआ है, जिस जगह पर यहाँ पर सुई चुभी है। तो इस हिस्टामिन की वजह से वेजोडायलेशन होती है, और वेजोडायलेशन की वजह से जब ब्लड ज़्यादा फ्लो होगा तो ब्लड के अंदर क्या मौजूद होंगे, तमाम के तमाम इम्यून सेल्स मौजूद होंगे, और वो इम्यून सेल्स क्या करेंगे, उस उन तमाम कह लें माइक्रोबियल ग्रोथ को जो यहाँ पर मौजूद होंगे, उन तमाम माइक्रोबियल ग्रोथ को ख़त्म करेंगे, पैथोजेंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। और इस तरह दोबारा जो है ना, वो तीसरे स्टेप में मैंने बताया है कि दोबारा क्या हो जाएगी, हमारी ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो दोबारा बैक टू नॉर्मल चला जाएगा, जब तमाम एंटी बॉडीज़ को तमाम कह लें कि ख़त्म किया जाएगा पैथोजेंस को, जो हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम कर रही होंगी। तो समझ आ रहा है यहाँ तक, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस किया हमने, एनके सेल्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया टीसी सेल्स के बारे में, देन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स के बारे में, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में। फीवर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फीवर अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फीवर के बारे में थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि फीवर क्या होता है। फीवर का मतलब होता है एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, हमारे बॉडी का नॉर्मल सेट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर राइज कर जाता है, एलिवेट कर जाता है, तो उसको आप नाम देते हो किसका, फीवर का। फीवर को एक और टर्म दी जाती है, पायरेक्सिया, तो उसे आप पायरेक्सिया भी कह सकते हो। मैं वजह बताऊंगा इसे, फीवर को पायरेक्सिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज का था लेक्चर। कोई मसला हो तो सवाल पूछ लें आप लोग।